आज महाशिवरात्रि है, हर शिव भक्त के मन में एक प्रसन्नता है क्योंकि श्रावण मास भोले बाबा को प्रिय है। आज जल चढ़ना है, क्या नियम है, कब चढ़ना है? हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पंडित जी। पंडित जी, अपना नाम और कब जल चढ़ना, क्या विधि विधान है? जय भोलेनाथ जी, मेरा नाम पंडित केशव शर्मा, मान मंदिर सरोजनी कॉलोनी तरफ से। आज बड़ा ही पावन दिवस है शिवरात्रि का। वैसे तो श्रावण मास पूरा जो है मासों में सबसे भगवान शिव जी की भक्ति के लिए उत्तम मास कहा गया है। भोलेनाथ जी इस मास में अपने भक्तों पर खूब कृपा बरसाते हैं। जैसे आसमान से जल बरसता है, ऐसे भगवान शिव जी और पार्वती जी की कृपा बरसती है। और आज शिवरात्रि को दो मान्यताएँ हैं। एक मान्यता तो ये है कि आज ही भगवान शिव जी तो अविनाशी हैं, लेकिन आज ही लिंग रूप में उनका प्राकट्य जगत में हुआ था। और दूसरी मान्यता यह है कि आज ही के दिन भगवान शिव जी की और पार्वती जी की शादी भी हुई थी, उनका विवाह भी हुआ था। पार्वती जी ने अखंड तपस्या की थी भगवान शिव जी को वर रूप में पाने के लिए, और आज ही के दिन उन्हें भगवान शिव जी मिले। तो जितने ये कांवड़ का जो प्रचलन चला है, ये वैसे तो झारखंड में वैद्यनाथ धाम है वहाँ से चला था, लेकिन ये धीरे धीरे सारे भारत में और विश्व में ये प्रसिद्ध होती गई। और ऐसे जैसे पार्वती माता ने भगवान शंकर को पाया श्रावण मास में, ऐसे ही श्रावण मास में ये जो भोले के दीवाने का जो भक्त हैं वो कांवड़ लेके ऋषिकेश हरिद्वार से अपने स्थानों पर दूर दूर तक जाते हैं, यहाँ भी आए हुए हैं, और वो भगवान जी को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना करते हैं कि जैसे पार्वती जी का आपके चरणों में प्रेम बना रहे, जैसे पार्वती जी का की कृपा आप पर हुई थी, ऐसे ही आप हम सब पर की कृपा बरसाना, हमारी मनोकामना पूर्ण करना। आप ये सभी जो कांवड़िए हैं बड़ी बड़ी दूर स्थानों से आए हैं, और ये भूखे प्यासे रहकर अपने आप शरीर को कष्ट देकर किसी प्रकार तपस्या करते हैं जैसे पार्वती। और जल का समय अभी त्रयोदशी है, शाम को 7:24 से जल चढ़ाने का मुहूर्त होगा, जब शिवरात्रि लग जाएगी 9:48 तक मुहूर्त है। बीच में अभिजीत मुहूर्त भी आता है 11:48 से 12:41 तक। अगर किसी कांवड़ी को बीच में भी जल चढ़ाना हो तो चढ़ा सकता है, लेकिन नियम तो शिवरात्रि का जो है नियम से जो जल चढ़ाने का समय है वो शाम को 7:24 रहेगा। धन्यवाद पंडित जी, आप जो कांवड़ लेने गए थे क्या मनोकामना रही आपकी? धन्यवाद। हमारे साथ जो प्रबंधक समिति के सदस्य भी उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की तैयारी और किस तरह का उत्साह रहा। शंकर भगवान की जय। 14 जुलाई श्रावण मास लगा हुआ है, और हमारे पूज्य लक्ष्मी पंडित जी श्रावण मास की कथा का आनंद हम सब पर बरसाते हैं, कृपा बरसाते हैं। और 14 तारीख से जब अगर लोग सभी सेवादार पूरे भाव के साथ श्रावण मास के लिए भक्तों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। श्रृंगार कितने दिन किया? श्रृंगार हर रोज होता है, हर रोज बहुत ही सुंदर श्रृंगार। हमारे जो सच्चे सेवादार हैं और भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं हर रोज करते हैं, और ये आप देख रहे हैं कितना उत्साह है कांवड़ियों का। और इन्होंने नियम बनाया है कि जब शाम को समय होगा जल चढ़ाने का, उस शाम में ही हम जल चढ़ाएंगे, हम पहले जल नहीं चढ़ाएंगे। और आप देख रहे हैं कितना उत्साह है और कितना इंतजाम किया है प्रबंध अपनी कमेटी ने कि भक्तों का। धन्यवाद सर। मैं अपने साथी का कहूँगा दिखाए किस तरह से जो कांवड़ है उन्होंने अपने स्टैंड पर लगा दी है, और शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये अपने घर नहीं जाएंगे, शाम को जब जल चढ़ाएंगे उसके बाद ही ये अपने घर जाएंगे, तो ही घर जाकर जल ग्रहण करेंगे, तब तक यही शिव की उपासना करेंगे। यमुना में कितने देवता शारदा हैं जो हरियाणा